हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑस्मोसिस प्रिया। एंड आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए एक नया एपिसोड गोवा डायरीज़ में, एक नए जगह के साथ। और आज हम लोग जा रहे हैं, उस जगह का नाम है बुटबुट टाली। और लॉकडाउन के बाद ये फर्स्ट ट्रिप है हमारी, इतनी लॉन्ग ट्रिप। एक्चुअली गोवा में लॉकडाउन हट चुकी है, लेकिन बहुत सारे जगह लाइक मुंबई और दिल्ली, ये सब जहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ है COVID-19, वहाँ पे अभी तक लॉकडाउन चल रहा है। और इस जगह का नाम बुटबुट टाली मैं बता रही थी। तो बुटबुट टाली इस जगह का नाम क्यों है वो एक सरप्राइज़ है। आप लोग आगे वीडियो को कंटिन्यू करो, फिर आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि बुटबुट टाली के पीछे क्या हिस्ट्री है इस जगह का। सो गाइस, गोवा में बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और बारिश के साथ साथ गोवा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगा है, एकदम ग्रीनरीज। और अगर आप ग्रीनरीज लवर हो तो आपको गोवा बहुत ही अच्छा लगेगा। रोड भी गोवा के ऑसम है, और यहाँ के थोड़े से हीली टाइप आ रहा था, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप मसूरी या फिर आप ऊटी में घूम रहे हो, ऐसा लगेगा गोवा में ही रह के। और ये देख सकते हो कितना सुंदर सा लग रहा है गोवा, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, अमेजिंग। सो गाइस, यहाँ जो है नेत्रावली नाम है जगह का, और यहाँ पे है बबलिंग पॉन्ड। और नेत्रावली जाने के लिए आप अगर मरगांव से जाओगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर लगता है बाय रोड। और आप देख सकते हो कितना सुंदर सा लग रहा था बारिश के बाद, ये थोड़े थोड़े से बादल से आ रहे थे तो बहुत सुंदर सा। और गाइस, जैसे कि मैं बता रही थी, इसका नाम बुटबुट टाली है, तो बुटबुट टाली इसलिए बोला जाता है। इसमें जो पहले का जो हिस्ट्री है उसमें ये माना जाता है कि आप अगर क्लैपिंग करो तो जो जो ये लेक है उसमें बबल्स आने लगते हैं। अब हम लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साथ साथ में, मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही थी, बट मुझे इसके बिहाइंड में ये लॉजिक तो मुझे ऐसा तो लगा नहीं। तो एक्चुअली इसमें बहुत सारे फीस थे, बहुत सारे फीसेस थे, और काफ़ी सुंदर सुंदर से लाइक गोल्डन फीस और जो जेवरा टाइप का जो फीस होता है ब्लैक एंड वाइट का, तो छोटे छोटे बड़े बड़े काफ़ी सारे साइजेस में अवेलेबल थे। तो हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। हिस्ट्री तो उसके पीछे यही था, साइंटिफिक रीज़न कुछ अलग है। तो आप ज़रूर आओ अगर आपको ऐसे प्लेसेस पसंद है गोवा में, अगर आप आ रहे हो घूमने तो आपको आना चाहिए इसको भी एक बार, आपको मज़ा लेना चाहिए बुटबुट टाली का। बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा है। इतना लगे ये तो एनीवे बन जाएगी यार। फिर फिशेस कैसे जिंदा है इसमें? वो वाटर भी सर्कुलेट कर रही है, पानी साफ है एकदम। फिश थे कितनी मस्त तरीके की, वो अपने आप ही आते ही रहते हैं। किधर से मिलते हैं दूसरे क्या? वो काली बजाना के ऊपर भी होता है ना, मीथेन गैस निकलती है। देख क्या जाते दूर से थोड़ी, वहाँ पे वो ये नहीं है बाबू, एक तो प्रोटेक्शन दे सेंचुरी, एक तो सेंचुरी को नेशनल पार्क, वो भी बाहर से। हाँ। सो गाइस, इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट गोवा डायरीज़ के एपिसोड में मिलती हूँ, जहाँ पे एक न्यू प्लेस के साथ मिलूंगी। और गाइस, अभी पेंडेमिक फैला हुआ है, सो प्लीज़ टेक द प्रिकॉशंस एंड स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।